क्या क्या लेने का मम्मी? अस्सलाम वालेकुम। देखो उसको सामान लेने बोली तो जल्दी से कैमरा चालू हो जाता है। क्या क्या लेने का? कलिंगड़ लेने का, केला लेने का, आम लेने का, चीकू लेने का, पाइनएप्पल लेने का, संतरा लेने का, पपैया लेने का और चने लेने का। आज इतनी सारी इफ्तारी क्यों? आज इतनी सारी इफ्तारी इसलिए कि हम गली के सारे बच्चों को बुला के रोजा खुला रहे हैं। ठीक है, सबको रोजा खुलाएंगे, सबके घर में इफ्तार बांटेंगे, मस्जिद में इफ्तार भेजेंगे। आज बड़ा रोजा है, 27वां रोजा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आज कोई भी रेसिपी नहीं ला रहे थे। आज कोई रेसिपी नहीं मिलेगी। हाँ, मेरे हाथ के घर में बनाए हुए भजिए मिलेंगे आपको, प्याज के, आलू के। बहुत से ना कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल पे कि आप लोग भी आपके घर की इफ्तारी हमें हमारे साथ शेयर करो, रूटीन शेयर करो। बट हम लोग रूटीन तो शेयर नहीं कर सकते, बट हम लोग इफ्तार कैसे करते हैं ये आज हम हमारे चैनल यानी कि स्ट्रीट फूड जायका पे बताने वाले हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी लेने, तो मैंने बताया क्या क्या लाने का है, तो अभी चलते हैं लेते हैं फिर इफ्तार, है ना? सब लेके आना याद से, हाँ, दो चक्कर लगेंगे। आज राउंड दादा होने वाले इफ्तार के। आलू के भजिए का मैं बैटर बना रही हूँ सबसे पहला। अच्छा, अरे भाई साहब, मैं भी तो वीडियो बनाने आया हूँ। कैसा वीडियो बनेगा भाई साहब, बताओ? जान में तेरी गाड़ी छूट गई। भला यहाँ पे हमने लिए है 300 ग्राम चने का आटा। तो ये कौन सा भजिया बना रहे मैं? ये मैं आलू के भजिए बना रही हूँ, एकदम सिंपल वाले, जो कि एकदम हर कोई घर पे अपने बनाता ही है। सब बनाते हैं, मैं बच्चों के लिए बना। आज पहले बताओ कौन कौन से भजिए बनने वाले हैं? बस दो ही भजिए बनाऊंगी आज मैं, प्याज के भजिए और आलू के भजिए बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूंगी सबसे पहला इसमें जीरा। और आज हम लोग ने इफ्तार की क्वांटिटी भी दबा के लाया बहुत सारी। जीरा डालने के बाद मैं डालूंगी थोड़ी सी इसमें अजवाइन, नूर हींग दे। यहाँ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। भाभी कुछ बना रहे क्या? नहीं आज डालेंगे, आज अम्मी बना रहे, मैं अम्मी की हेल्प कर रही हूँ। थोड़ी सी कोथमीर डाली हूँ, नहीं तो डेली भाभी बनाते हैं भजिया भजिया। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। ये सब चने का जो चीजें बनता है ना, तीखा आइटम ज्यादा कुछ नहीं बनाना। नहीं, बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं तीखा वगैरह। मैं तो सोचा था प्लेट में चॉकलेट भी रख दूँ लोग के। अब हम डालेंगे इसमें नमक। ये बार हमें मैंने कोई भी मेरे दोस्त लोग को नहीं बुलाया। हाँ हाँ, आज ये बारी को हमने कोई बड़ी इफ्तारी करे ही नहीं है, मोहल्ले के सारे बच्चों को दावत दे दिए है, बस घर घर में हम एक प्लेट बांट देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। नहीं तो लोग बोले साला ये बार बुलाया नहीं हम लोग को। हाँ, ये बार बहुत बिजी थे ना बहुत से कामों में, तो वैसा मौसम ऐसा। आप बता, साले बुलाया नहीं तू दोस्त लोग को? नहीं बुलाया भैया। नहीं, सच्ची में ये बात को ना बहुत बिजी चल रहा है, सच में बिजी चल रहा है। सॉरी नहीं बुलाने के लिए, जिसको नहीं बुलाया बुरा बिल्कुल नहीं बुलाया, क्योंकि किसी को नहीं बुलाया। समझते हैं कभी कभार बच्चों की भी इफ्तार पार्टी होती है, तो आज वो लोगों की इफ्तार पार्टी है, खास करके यूसुफ के दोस्त, हमारे गली के हर किसी के बच्चे। सच बोलूं मैं, जब से रियाज के दोस्त लोग आने लगे ना, जब से ना मेरी गली के बच्चों लोगों को इफ्तारी बंद हो गई। नहीं तो हम सबसे पहले ना गली के बच्चों को ही इफ्तारी देते थे, इफ्तारी कराते थे। लेकिन कैसा है ना, सब हमारे मोहल्ले के बेच बेच के चले गए, तो सारे जूने लोग चले गए थे, तो इफ्तारी हमारी बंद हो गई थी। हाँ। जब से हमारे रियाज के दोस्तों को बुलाने लगे थे। अब यहाँ पे जो नए नए भाड़ुतरी आए, लोगों से थोड़ी दोस्ती हो गई है, जो यूसुफ के दोस्त बन गए हैं, अभी घर में आते जाते अच्छा लगता है, तो बोली चलो अभी फिर बच्चों को ही इफ्तारी कराएंगे। चलो, तो यहाँ अम्मी का बैटर बन रहा है। अब रियाज भाई ने और मैंने जाके बहुत सारा लेकर आया है, फर्स्ट राउंड में बहुत सारी बता दो फिर। अभी बताने का अम्मी क्या कह ले? हाँ बताओ, मैं जब तक ये बैटर तैयार करती जब तक तुम लोग इसमें निकालो फटाफट। बुलाया हम लोग ने अंगूर, ये स्पेशली ना यूसुफ दीवाना है अंगूर का। क्या बोलता है? अंगूर चीज उठा के खाता है, तो वो है अंगूर। अंगूर यूसुफ ये खाएगा ना, क्या बोलते इसको? नहीं मालूम है, मालूम है। बोल बोल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंगूर। यहाँ पे फालूदा ऑल टाइम फेवरेट है। फालूदा तो देखो दो में हम लोग का काम हो जाता है, लेकिन ये बार हम लोग ने पांच लाए हैं ताकि हर बच्चे को मिल सके। केला, हाँ ये दो डजन के लिए नॉर्मली, हाँ इफ्तार में आता ही है। इसको इंग्लिश में बोलते अनानास, पाइनएप्पल। ये नहीं, सुनने कैसा बोला? क्या बोलते इसको इंग्लिश में? अनानास। चीकू,
चीख। यहाँ पे हम लोग ने लाया वाटरमेलन, जो कि वाटरमेलन सीधा 5 किलो का है। हाँ, दो है, दो वाटरमेलन है। हम शॉप से खाते आम लेके आओ। लाए क्या आम? नहीं लाए नहीं यार, जाएंगे ना अभी सेकंड राउंड पेंडिंग हम लोग। अच्छा ना, मास्क मेलन बच्चे शौक से खाते आम। यार जो खोल के तो बता, 5 किलो वाला करेंगे। हाँ अरे तुम लोग ने ना कटे हुए ही लाना चाहिए था बेटा, कटे हुए ना सच्ची में मीठे रहते। हाँ कटे हुए लाए ले, काट के लाए ले। ये देखो देखो ऐसा देखो, हमें ना लोग अखे में ना ये कर देते टेढ़ा बनाते। हाँ अरे अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन मेरे घर से ना ये कम पड़ेगा। दो दूसरा एक और है ना मिस के अंदर। हाँ तो ठीक है ना फिर। और यहाँ पे ये भी पपैया, पपैया भी था यहाँ पे तो बेटा। हाँ पपैया भी था यहाँ पे माशाल्लाह। ये भी उज्मा का फेवरेट है ना, मैं उज्मा खाती ना। हाँ खाती ना, उज्मा के लिए भी बहुत सी चीज सोच के लाना पड़ता है भाई यार, ये तो खास करके चाहिए। और वो बुलाने का उसके पास मिले जो कबाब कबाब को कौन सा रशियन रशियन कबाब लेके आ जाइए। ठीक है तो यहाँ पे मेरा बेटर अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने बेटर को अच्छे से तैयार करी हूँ। इसमें मैंने खाता सोडा अभी नहीं डाली हूँ, 2 मिनट के बाद डालूंगी जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा, जब मैं इसमें खाता सोडा डालूंगी और बटाटे डिप कर करके फ्राई करूंगी। मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, यहाँ मैं बैटर मिला रही हूँ। ये हम लोग की घर की कढ़ाई एकदम साफ सुथरी वाली। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चावल का आटा सबके लास्ट में, इससे ना हमारे जो भजिया है ना थोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं आलू के। और ये चावल है ना मैंने घर में पीसी हूँ। हाँ इसको घर में पीस के मैंने चाय की छन्नी से छान ली हूँ। तो ये हमारा चावल का आटा रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाता सोडा। तो यहाँ पे हमारा बैटर हो गया है रेडी। अब हम फटाफट यहाँ पे तलेंगे प्याज के पकौड़े। यहाँ मैंने प्याज नहीं आलू, हमें आलू। हाँ यहाँ आलू मैंने धो के अच्छे से यहाँ छानने के लिए छन्नी में रख दी थी पानी निथारने के लिए। ये एकदम बेसिक भजिया, बेसिक भजिया, इसके बगैर रमजान पूरा ही नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारा आराम आराम से काम नहीं चलेगा, बहुत फास्ट फास्ट करना है। अभी तुम ये आलू के भजिया के बाद ये प्याज का भी कर लेंगे ना। उसमें और यहाँ पे और यहाँ पे तैयारी चालू है कलिंगड़ विलिंगड़ कटने की। यहाँ पे जिनापा भी आ गई ऊपर से। क्या अंगुल अभी क्या काट रहे? पापाया पापाया। हाँ मम्मी क्या बोले? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, रोजा लग गया लगता तुमको। मैं बोली यहाँ हमारे भजिए अच्छे से। अरे वाह भजिए तो पक गए तुम्हारे, मस्त वाले है ना। अम्मी ये साल सच बताना नीचे कितनी बार रेसिपी बनाया तुम भजिए? नहीं बनाई है ना, नहीं बनाई। ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही बना रहे? हाँ, क्योंकि मेरे को ऊपर से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अम्मी तो हमारे बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम रहता है। हाँ, नीचे जीनी या तो नू बस। यहाँ पे देखो अच्छे से मेरे फुले फुले आलू के भजिए रेडी हो गए हैं, देख रहे हैं आप लोग फटाफट फटाफट। तो यहाँ पर मैंने आराम से आलू के भजिए फ्राई कर ली थी। अब हम प्याज के डालेंगे, तो प्याज के मैं डालूंगी इस तरीके से। अभी तुम्हें चैनल पे नहीं डाले ना ये साल? नहीं डाले। यहाँ पे भजियों को हम बनाते नहीं बैठेंगे, बस छोड़ते जाएंगे इस तरीके से। हाँ घर में नीचे बनाना तो वैसा कैसा भी बनाओ। नहीं नहीं कैसा भी नहीं, ये ओरिजिनल तरीका है प्याज फ्राई करने का, प्याज के भजिए फ्राई करने का। ये इससे क्या ताल में लेना तेल का सही रहता है, ये जो बबल है ना सही रहता है। अब एक साथ ये ठंडे होंगे और हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े भी रेडी हो जाएंगे। गायब कर दे पहाड़ को। ए भाई ये तू रोजा नहीं रखा क्या? बोल चेक कर रहा हूँ सबको अच्छा मिलेगा भाई, उसको ना तू यकीन नहीं करेगा उसको। अफ्तारी यहाँ पे तेरे वीडियो में बात करने का बोल के सारे दोस्त लोग से खेलते खेलते आया है बच्चा मेरा, सबको भगा दिया है, मेरे को वीडियो बनाने का है। हाँ सबको बता पार्ट छोटा करके, और छोटा कर और छोटा कर। बहुत बड़ा पहाड़ है, ले पहले ये खत्म कर, पहले खत्म कर। हो गए हमारे प्याज के भी पकोड़े मस्त वाले रेडी। आलू प्याज के पकोड़े हो गए तैयार, हो एक नंबर दिख रहा है। नहीं हुए नहीं है अभी, मैं खाली ये प्याज के पकोड़े बीच में डाली। अब यहाँ पे आलू के भी बाकी है और प्याज के भी बाकी है, मैं बताने के लिए मतलब थोड़ा 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 तैयार हुआ है अभी पूरे। मैं इसी तरीके से ये बहुत सारा लूंगी। अभी जाने का हम लोग भी दूसरा सामान लेके आने का। आप जाओ तुम लोग, तुम लोग को क्या लेने का लेके आओ, मैं जब तक यहाँ पे सब रेडी करके रखती हूँ। ठीक है तो यहाँ पे अच्छी खासी तैयारी हो गई है। हम लोग ने भी बाकी की इफ्तार और जो तू बोली थी ना जी यहाँ पा प्लेट ग्लास वाटी वो सब लेके आ गए हम लोग। अभी तुम्हारे भजिए बने
हमारे बच्चे बन गए, प्याज के भी बन गए, हमने आलू के भी बना लिए है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंगूर अंगूर आ गया, फालूदा उतना सी बना, फालूदा नहीं फालूदा है वो बहुत है, और एक दो ना ठंडा करने के लिए फ्रिज में भी रखे। हाँ हाँ, तो बच्चे लोग कब आएंगे? बच्चे लोग के लिए ठंडा नहीं करना, बोलिए बाहर रखवाना। अच्छा कौन ऐसे छिलके काटता है, हर चीज बताना। हम लोग छिलके छिलके काटते हैं, अब छिलके काटते हैं जी, मगर आज मत काट, इसमें चाय मेस्ट हो जाएगा, बच्चे आके खड़े हो जाएंगे दरवाजे पे, इसी काटो, बच्चे अपने एक एक चीनी लेके काटते हैं, फिर ये टाइम पास करते बैठिए, बच्चे रहेगी लगा देगा। अभी थाल भी रेडी करना बाकी। अम्मी हाँ, यहाँ पे सीख आयला है, कबाब आयला है, चना आयला है, सब लगा। अभी तुम भी तो लेकिन वैसे ही काट रहे, छिलटा निकाल के। नहीं ये मस्त मेहनत का निकालना ही पड़ता है, लेकिन ये भी मस्त लगता है शाम खाने, है ना, बिना छिलके के। हाँ डायरेक्ट ग्रुप, अभी तो ये छिली दी है तो मैं ही खा लूंगा। सलाम कर, अरे सलाम तो कर लो भाई। क्या बोलते भाई जान, आपा कैसी है? अभी बना रहे हैं गली वालों के लिए, जो गली मोहल्ले में आस पड़ोस में देते हैं ना, गली गली वालों के लिए। मोहल्ले वाले बोले गए तो हमारे पास आया नहीं यार अभी तक, घर में बांटने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारी गलियों की प्लेट हो गई तैयार, है ना। कौन बांटेगा, तू बांट के आएगी? हाँ भैया, अरे क्या है ये, एकदम बहुत सही काम की चीज लेके आया बच्चा, लेकिन रोजा खोलने के लिए देखो नहीं रुक रहा इतना। रुको ना भाईजान, रुक जाओ ना, रुक रहे रुक रहे, नहीं रुक रहे ना, चलो अच्छा आज ठंडा फालूदा मिलेगा फाइनली। थोड़ा इसमें डालो तोड़ के और थोड़ा उसमें डालो। ये जिन्हें बांट देगी ना तू, ये हाँ जी आपा बांट देगी ना, ये नहीं गली में तो अम्मी जाएगी ना भाभी। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आ गए भाई रोजेदार लोग आ गए। अफजल पकड़ो, संभाला आराम से, गिरना बिल्कुल नहीं चाहिए, आ तेरे सामने रख, चाणा रे भैया वहाँ रखना चाहिए था, ऐसा करेगा तू अफजल यार, क्या यार तेरे सामने रखना, क्यों इधर ढकल दिया? अभी कौन कौन आने का बाकी अफजल? अयान लोग बाकी आने के, बस इधर इधर अभी इधर बच्चे बिठाएंगे, नहीं तो सब चिपक जाएंगे ना, तो फिर बच्चे रोजा नहीं खोल पाएंगे। कहाँ गए मेरे वाले, कहाँ गए? और सिर्फ 10 मिनट बचा है अम्मी। हाँ ये देखो, बस बस हो गया, ये रोजेदार। फालूदा भी पानी के साथ साथ अपना अपना अपने पास रखो ना, ठंडा नहीं है ना ज्यादा, नीचे रख। ये भाई दुआ करते रहो, दुआ करते रहो, कोई खजूर भजिए के बाद बाद में देखो, पहले दुआ करो। आ देखो दोनों बच्चों को दे दे, ये देखो इसका रोजा पहले खुल गया, इसका 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 भी देखिए, बेचारा बच्चा मेरा दुआ कर रहा है कब से, इसके पूरे 29 रोजे हो गए आज, बस के 32 रोजे, इसके 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 32 रोजे हो गए, देख लीजिए। सब अपना अपना पूरा खत्म करेंगे, कोई भी छोड़ेगा नहीं है क्या, और खुद का खत्म हो जाएगा ना, बाजोली की प्लेट में हमला छोड़ना ले, लेकिन हो गया भाई, हो गया अजान, हो गया हो गई। ये भाई दुआ करो, पहले दुआ पढ़ो, यहाँ पर दुआ पढ़ा, यहाँ पर दुआ पढ़ा सबको, ये सब दुआ पढ़ेंगे, पढ़ा जी ना पा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो गाइस ये वो वाला वीडियो वही वीडियो एक्सप्लेन कर देगा, तुम लोग को तो पता है मैं कितने बजे आई, लेकिन मेरे को पहले वो बता, रात के बज रहे हैं 2, हम लोग इफ्तार करके ना सब अपने अपने रास्ते पे चले गए थे, भाग गए थे, और मैंने भी ध्यान से निकल गया था कि वीडियो तो क्लोज हुआ ही नहीं है, और हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए, आप आती है भाई बोले चलो मेरा वीडियो क्लोज करते हैं, आप उल्टी से मेरा वीडियो उनको नहीं बुलाया, अरे बोल ले मेरा थोड़ा।
मेरे को बुलाए थे अम्मी ने, कल भी बुलाए थे, मैंने अपने ब्लॉग में बोला, लेकिन हमारा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, आज हमारे घर का एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो बंदा नहीं आ पाया, तो हम लोग गए थे शॉपिंग को, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाई। मुश्किलें परेशानी आती है वो सब बिल्कुल ना आए, सब अच्छे से हो जाए, सब ढेर सारी दुआएं करना मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची का चैनल भी सब्सक्राइब करना। इंडियन ब्लॉगर नाजिया शेख हमारी फैमिली के बोलते हैं चटाकेदार फटाकेदार चुटकुले मजेदार आपको हाय के चैनल पे और आपा के चैनल पे मिलते रहेंगे। चलो अल्लाह हाफिज, बाय, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय।